पेंग्विनच्या देखभालीसाठी 15 कोटी रुपये खर्च करणं म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचं उदाहरण आहे. जर अजूनही काही अधिकारी हे देवेंद्र फडणवीस यांचा विचार करत असतील तर याचा अर्थ अजूनही त्यांच्या कामाचा दबदबा कायम असून हे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचं अपयश आहे, असं आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटलंय. सरसंघचालक मोहन भागवत जी कल मुंबई आए थे, उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान एक ही वंश के पूर्वज है लेकिन ब्रिटिशों ने उन पे फूट डाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने कल के अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट किया कि इस देश में रहने वाले सभी जाति के सभी धर्म मजहब के लोग ये एक ही मूल विचारसरणी के लोग हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं जो मानवता की संस्कृति है. और इसके लिए जो भूमिका राष्ट्र संघ की 1925 से है, जो भाजपा की जनसंघ की भूमिका अपने जन्म से है, वही भूमिका फिर से एक बार परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने कल के अपने भाषण में उजागर की है. मुझे लगता है कि इससे कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये एक सांस्कृतिक सामाजिक देशहित की भूमिका है, वो लेकर हम सभी ने आगे जाने की आवश्यकता.